माता जी ने खाना खाया या नहीं खाया उससे हमें कोई मतलब नहीं, पिताजी ने भोजन ग्रहण किया या नहीं किया उससे आज के हमारे युवाओं को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे बाबू ने खाना खाया, ये हम सबको अपडेट चाहिए। अपने आसपास आप पास में कैफेज में चले जाइए, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए, सब जगह आशिकों की भरमार है। और जब मैं पहली बार दिल्ली के कैनट प्लेस जो सेंट्रल पार्क है वहां पर मैं मेट्रो से उतरा तो बहुत बड़ा पार्क था और मैं आश्चर्यचकित हो गया देख के उस नजारे को। मतलब आज से शायद 2018 की बात होगी, मुझे प्रयागराज कुंभ मेला में जाना था तो हरिद्वार से पहले मैं दिल्ली गया, फिर वहां से हम लोग गए। तो जैसे ही उस कैनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरा और उसके बाद जब मैं उस सेंट्रल पार्क के नजदीक गया तो आश्चर्यजनक चित्र सामने दिखा कि जोड़े बहुत सारे बैठे हुए हैं और कुछ कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं। तो मैंने कहा ये क्या मामला है। मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था, तो हम तो एक ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र से आते हैं ना, हरिद्वार, देवभूमि, उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तो हमारे लिए वो दृश्य बड़ा नया था। हमारे यहां तो लवर पॉइंट बहुत कम है, कहीं है दूर 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 कम है, संख्या कम है, तो वो मेरे लिए नया नजारा था। तो मैंने कहा ये चल क्या रहा है, तो पता चला कि उस दिन किस डे था और वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन चल रहा था। तो मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं ये रियलिटी है और हम सब लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, और सफलता हमारे जीवन में दो ही चीजों से आती है, एक का नाम है संभावना, दूसरे का नाम है अवसर। संभावना तय करती है कि हमारा जीवन उत्कर्ष के पथ पर आगे बढ़ेगा या पतन के पराभव को प्राप्त करेगा, संभावना तय करती है। हमारे अंदर रावण बनने की संभावना भी है और राम बनने का अवसर भी, हमारे अंदर कंस बनने की संभावना भी है और कृष्ण बनने का अवसर भी, हमारे अंदर अंगुलीमाल बनने की संभावना भी है और बुद्ध बनने का अवसर भी। अंतर केवल और केवल संभावनाओं का है, इन्हीं संभावनाओं के चलते हमारे ही भीतर से भगवान राम निकल करके आते हैं, कृष्ण निकल करके आते हैं, बुद्ध निकल करके आते हैं, स्वामी विवेकानंद निकल करके आते हैं, महर्षि दयानंद निकल करके आते हैं, और हम ही इंसानों के भीतर से ओसामा बिन लादेन निकल करके आते हैं, जरासंध निकल करके आते हैं, शिशुपाल निकल करके आते हैं, मसूद अजहर निकल करके आते हैं, हमें इंसानों के भीतर से ये लोग निकल करके आते हैं। आज हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम सब नौजवानों के बीच हमारे पास समय नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, नई नई प्रेम कहानी शुरू हुई, नया नई प्यार मोहब्बत शुरू हुआ और माँ बाप को चिंता है कि मेरी बेटी बिचारी दूर रहती है, दिल्ली में रहती है, मुंबई में रहती है, बेंगलोर में रहती है, कोलकाता में रहती है, कैसे पढ़ती होगी, उसके ऊपर राहु की दशा चल रही है, कैसे पढ़ती होगी, मेरा बेटा कैसे स्कूल जाता होगा, उसके ऊपर शनि की दशा चल रही है, लेकिन हकीकत में जब जाओगे तो उस पर शनि की नहीं शिवानी की दशा चल रही है, हकीकत में जाओगे तो राहु की नहीं राहुल की दशा चल रही है, और नया नया प्यार है, नया 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 नई मोहब्बत है, Roses are red, sky is blue, oh my darling, I love you. कुछ दिन के बाद वही चेहरे, वही faces, वही कॉफी, वही टेबल, वही कैफे, वही नदियों का किनारा, वही हाथों में हाथ, और कुछ दिन के बाद परिभाषाएं बदल जाती हैं और हो जाती हैं कि roses are dead and I have flu, मुझे दूसरी मिल गई परे हट तू। तो ये क्या है, ये रियलिटी है, मैं बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बातें नहीं करता, ये हम सब देख रहे हैं अपने आसपास। आप पास में कैफेज में चले जाइए, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए, सब जगह आशिकों की भरमार है। तो मैं ये जो बात आपको बता रहा हूं ये रियलिटी है, माता जी ने खाना खाया या नहीं खाया उससे हमें कोई मतलब नहीं, पिताजी ने भोजन ग्रहण किया या नहीं किया उससे आज के हमारे युवाओं को कोई मतलब नहीं,
लेकिन मेरे बाबू ने खाना खाया। ये हम सबको अपडेट चाहिए। अगर रात को गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया और फोन रात को 12 बजे बिजी जा रहा है, तो हो सकता है वो हॉस्टल में रहती है, घर में अपनी मम्मी से बात कर रही हो, लेकिन हमारे मन में उतनी देर में चीजें चलने लगती है, कहीं दूसरा तो नहीं मिल गया। तो ये क्या है? रियलिटी है, सोसाइटी की रियलिटी, जिससे हमको बचना है। इसलिए मैंने संभावनाओं और अवसर की बात सबसे पहले करी। हमें अपने जीवन की संभावनाओं को तराशना है। जीवन की संभावनाओं को जब हम तराशेंगे, तब हम सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि क्या है, आसपास आज कोई और, कल कोई और, आज तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये दिल कबूतर खाना है, सभी का आना जाना है। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमें इससे बचना है। गर्लफ्रेंड का मैसेज आए, बॉयफ्रेंड का मैसेज आए, उससे ज्यादा कई गुना खुशी होगी जब आपके बैंक का मैसेज आए कि इतने रुपए आपके बैंक में आ गए। ये सफलता की आज की परिभाषा, इसको हमें चरित्रार्थ करना होगा कि कैसे हम अपने माता पिता, एक किसान बाप ने मेहनत करके अपने बच्चे को उस स्कूल में डाला, उस यूनिवर्सिटी में डाला, उस कॉलेज में डाला, जहां के गेट तक भी वो कभी जाने का सपना नहीं देख पाया, मेहनत करके, खून पसीने की कमाई एक करके। और मैं देख रहा हूं यहां पे शायद ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स ज्यादा बैठे हैं, जिनके ज्यादातर माता पिता किसान परिवार से हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, और जब पापा की परी कुछ ऐसा कार्य करने लगे तो थोड़ा सा हमको सोचना, क्योंकि हमारी चेतना शून्य हो गई, हम जीरो कॉन्शियसनेस पे आ गए। हम जो कर रहे हैं वो सोचते नहीं, विचारते नहीं, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा, ये सब हम सोचते नहीं। इसको सोचना चाहिए, संभावनाओं को तराशना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में आरक्त होकर, मुर्दे को नाव समझकर, मुर्दे का सहारा लेकर, लटकते हुए अजगर को सांप समझकर चढ़कर के अपने पत्नी के कमरे में पहुंचे, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जितना प्रेम तुम्हें मेरे इस हार्ड मास के शरीर से है, इतना प्रेम यदि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ होता तो आज तुम कहीं और होते। उसी समय राम बोला दुबे का गोस्वामी तुलसीदास बनने का क्षण था। नरेंद्र ने अपने गुरु से पूछा कि भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि परमात्मा है, मैं तो तुझे दिखा भी सकता हूं। वो समय नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनने का क्षण था। मूल शंकर ने मूर्ति पर उछलते हुए चूहों को देखा और उसके मन में सवाल आया कि परमात्मा कौन है। उसी समय वो असली परमात्मा की खोज में निकल गया। वो समय मूल शंकर का महर्षि दयानंद बनने का क्षण था। समर्थ गुरु रामदास जब अपनी शादी के मंडप में बैठे थे, तब पंडित जी ने कहा सावधान। उसी समय नारायण ने सावधान हो गया और संन्यास ले लिया। वो समय नारायण का समर्थ गुरु रामदास बनने का क्षण था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि परिवर्तन के क्षण को पहचानना है, परिवर्तन के क्षण को समझना है। ये जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी आइकन्स हुए, जितने भी पॉपुलर फेसेस हुए, ये अपने जीवन में आए परिवर्तन के क्षणों के लिए तैयार थे, तत्पर थे, और इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया। वरना कितनों की पत्नी ने कहा होगा कि तुम्हारे जीवन में जो प्रेम इस हार्ड मास के शरीर के लिए, इतना परमात्मा के लिए हुआ था तो क्या होता, लेकिन क्या सब समर्थ गुरु रामदास बन गए, सब गोस्वामी तुलसीदास बन गए? नहीं बन पाए। कितनों को पंडित ने शादी के मंडप में सावधान किया होगा, लेकिन क्या बन गया कोई समर्थ गुरु रामदास, गोस्वामी तुलसीदास? कितनों ने मूर्तियों पर कौतूहल जानवरों को करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कोई बन गया मूल शंकर महर्षि दयानंद? नरेंद्र जैसा सवाल कितनों के मन में आया होगा कि परमात्मा है या नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट, लेकिन क्या बन गए सब स्वामी विवेकानंद? नहीं। उसके लिए संभावनाओं को तराशना होगा।
पॉसिबिलिटीज को ग्रैब करना होगा, अपॉर्चुनिटीज तभी जीवन में आएगी। हम सब सफल होना चाहते हैं, सबको चाहिए पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे सहयोगी हो, अच्छे मित्र हो, लेकिन इसके साथ साथ जीवन में बैलेंस जरूरी है। आज आप देखिए कॉरपोरेट सेक्टर में क्या हो रहा है, हमने करोड़ों रुपया कमा लिया, 60 साल की उम्र आते आते हम कॉरपोरेट जगत में खुद को स्थापित करने में कामयाब हो गए, हमारे परिवार हो गए, बंगला बना लिया, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, मर्सिडीज खरीद ली, ऑडी खरीद ली, लैम्बोर्गिनी खरीद ली, बीएमडब्ल्यू खरीद ली, लेकिन 60 की उम्र आते आते अच्छा पैसा हो जाने के बाद अब आप ये नहीं खा सकते, अब आप ये नहीं खा सकते, अब आप यहां नहीं चल सकते, अब आपको अर्थराइटिस है, अब आपका एक किडनी काम नहीं करती, अब आपके हार्ट में ये समस्या है, अब आपको ब्रेन में ये दिक्कत है, तो क्या किया आपने 60 साल? जिनके लिए इकट्ठा किया वो अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, जापान चले गए, और जिन्होंने इकट्ठा किया वो व्हीलचेयर पे बैठे हैं, 6 महीने हो गए मां को दिल्ली में मरे हुए और बेटे को पता भी नहीं चला, जब बेटा घर आया और दरवाजा खटकाया, जब दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जब गया तो ड्राइंग रूम में मां की लाश पड़ी थी जो कंकाल में परिवर्तित हो चुकी थी, क्योंकि 6 महीने पहले ही मां की मृत्यु हो चुकी थी। ना पड़ोसियों को पता है, ना परिवार वालों को पता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, कॉन्टैक्ट टूट गया। एक बच्चा था, उसके पिताजी थे, बड़े हो गए, पिताजी बुजुर्ग हो गए, बच्चे का बच्चा हो गया, फिर पिताजी खूब पैसे वाले थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत बड़ा बंगला था, बड़ी गाड़ियां थी, सारे संसाधन थे, सब सुख सुविधाओं के अंबार थे, लेकिन पिताजी बुजुर्ग हो गए, किसी काम के नहीं रहे, तो उनको मकान के छोटे से कोठरी में कोने में एक स्थान दे दिया, वहीं उनका भोजन जाता था, वहीं सब चीजें जाती थी, बहुत दयनीय स्थिति में उनको रखा गया। अब जो दादाजी थे उनका पोता इस बात को देखता था कि मेरे पिता अपने पिता के साथ ये व्यवहार करते हैं। अब उनकी हालत दिनों दिन बदतर होने लगी और दादाजी ऊपर भगवानपुर पहुंच गए, तो सब सामान उनका क्रियाक्रम वगैरह कर दिया, तो जो कोठड़ी थी उसमें कटोरी चम्मच प्लेट गिलास ये रखे हुए थे, सारा सामान तो निकाल दिया, बस ये रखा रह गया। तो बेटे ने सोचा अब इसका क्या करना है, अब ये तो किसी काम का नहीं, अब इसको भी निकाल के फेंक देते हैं, पिताजी तो चले गए। तो पोते ने कहा पापा क्यों फेंकना है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप बुजुर्ग हो जाओगे तो कटोरी चम्मच प्लेट आपके क्या काम नहीं आएगा। तो ये लॉ ऑफ कर्मा है, जैसा इस समाज को देंगे वैसा ही इस समाज से प्राप्त होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा शुभ अशुभ कर्म करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। और ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कहीं भी पाप कराओ दुनिया में, चोरी डकैती बलात्कार कुछ भी कराओ, लेकिन जब गंगा जी में आओ डुबकी लगाओ और पवित्र हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होता। जो किया है उसका परिणाम मिलेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, परिणाम मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा। हाँ, योगेश्वर भगवान ने इतना जरूर कहा है, सर्वधर्मम परित्याजा ममेकम शरणम व्रजा, भगवत गीता का अंतिम श्लोक, सब संप्रदाय मत पंथ जितने भी चीजों में तुम फंसे हुए छोड़ के मेरी शरण में आओ, इंसानियत की, मानवता की, मनुष्यता की शरण में आओ, अहम त्वम सर्व पापे भ्यो मोक्षे शामी मा सुचा, मैं तुम्हें सत्य के मार्ग पे लगाऊंगा। सर्व पापे भ्यो का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सारे पाप जो तुमने गलत काम किए, पाप किए, गुनाह किए, दोष किए, वो सब माफ कर दूंगा, नहीं, अब तक जो करते आए करते आए, आगे तुम असत्य के मार्ग से हटकर तुम्हें सत्य में लगाऊंगा, अंधकार के मार्ग से हटकर तुम्हें प्रकाश में लगाऊंगा। ये बोला, अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया, अमृत की ओर ले जाऊंगा। तो इसलिए मेरा अंत में आप सबसे निवेदन है, सबसे आग्रह है कि इस भेड़ चाल से खुद को अलग रखना है। कमाइए, खाइए, बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन लाइफ में बैलेंस रखिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह नहीं, एवरीवन इज रनिंग 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 रनिंग, कान में लीड लगा रखी है, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, मेट्रो पकड़ रहे हैं, बस पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ये क्या है, मशीन लाइफ स्टाइल। ना बच्चों के लिए समय, ना बीवी के लिए समय, ना परिवार के लिए समय, ना समाज के लिए समय, आई हैव नो टाइम। और अंत में जब यमराज आएगा तो उसको नहीं कह पाएंगे आई हैव नो टाइम, तुरंत जाना पड़ेगा, है ना, तुरंत जाना पड़ेगा, एक सेकंड, वो बिना किसी नोटिस के आ जाएगा, बिना किसी इनविटेशन कार्ड के आ जाएगा, और हम कहेंगे ओ अभी तो हमें बहुत कुछ करना था,
ठीक है बाय बाय टाटा पहुंच गए ऊपर। तो इसलिए बैलेंस बना के रखिए, भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। आप देखो ना बाहर के जितने भी मत पंथ संप्रदाय मत मजहब जितने भी हैं वो अपने बच्चों को बचपने से चीजों की शिक्षा देते हैं। एक सिख से कोई नहीं पूछता कि सरदार जी आज पगड़ी लगा रखी है गुरुद्वारे जा रहे हो क्या। एक मुसलमान से कोई नहीं पूछता कि मुल्ला जी आज टोपी लगा रखी है नमाज करने जा रहे हो क्या। एक ईसाई से कुछ कोई नहीं पूछता कि आज ये कार्य कर रहे हो वहां जा रहे हो क्या। लेकिन किसी हिंदू ने किसी सनातन धर्म को मानने वाले ने यदि टीका लगा लिया तो आपसे रास्ते में हजार लोग सवाल करेंगे आज मंदिर जा रहे हो क्या, क्योंकि हमने उन चीजों को अपने से अलग कर लिया, विच्छेद कर लिया। अब वो ट्रेडिशनल हो गया। क्या हो गया? दीपावली आएगी तो हम कुर्ता पजामा पहनेंगे तो वो हो गया ट्रेडिशनल वियर। दुकानों में बोर्ड लग गया ट्रेडिशनल वियर, कुर्ता यहां मिलेगा पजामा यहां मिलेगा धोती, क्योंकि जो कुछ पर्व त्योहार आएंगे तभी हमको पहनना है, बाकी समय तो हमें जेंटलमैन बनकर रहना है। जी फॉर जेंटलमैन बच्चे को बचपने में ही पढ़ा दिया जाता है। अब बच्चा जब जी फॉर जेंटलमैन के सामने एक चित्र बना देखेगा जिसमें सूट बूट टाई वाला एक इंसान खड़ा है तो जब वो घर जाएगा और अपने किसान बाप को देखेगा जो धोती कुर्ते में है जो पजामे कुर्ते में है तो वो कहेगा अच्छा जेंटलमैन तो टाई सूट वाला क्लर्क होता है जो आकर के सुबह ही घूसखोरी शुरू कर देता है, मेरा बाप जो ईमानदारी से कमाता है जो मेहनत से कमाता है खून पसीना एक करके किसानी करता है अन्न पैदा करता है और इस पूरे संसार का पेट भरता है वो जेंटलमैन नहीं है। तो ये विचार हमारे अंदर घुसाए गए इंजेक्ट किए गए, गलत विचारों से बचना है। भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए और जो और डीप में जाना चाहते हैं अपनी संस्कृति अपना समाज अपनी सभ्यता अपना आचरण अपना व्यवहार उत्कृष्ट शिखर पर ले जाना चाहते हैं और अपना सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं कॉर्पोरेट में भी सोसाइटी में भी परिवार में भी सब जगह जो बेस्ट होना चाहते हैं वो द लाइट ऑफ ट्रुथ नाम की एक किताब वो जरूर पढ़ें, वो जरूर पढ़ें और आप देखेंगे कि आपका लाइफ बैलेंस हो गया सब जगह। टाइम मैनेजमेंट की बात, जॉब मैनेजमेंट की बात, फैमिली मैनेजमेंट की बात, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट की बात कहीं नहीं हो रही। तो लाइट ऑफ ट्रुथ लाइए और अपने जीवन में लाइट लेकर के आइए, जो जितने फ्यूज बल्ब लेकर के हम घूम रहे हैं उनसे बचने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा तो कुछ और विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।